बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना सकेंगे जो चपली कबाब होते हैं। ये जो हमारे जो पेशावर की चपली कबाब होते हैं, जो बहुत ही मशहूर चपली कबाब हैं, ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, एक बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। हम तो चलिए आइए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आधा किलो गाय का कीमा है, साथ में हमने यहाँ पे दो अदद चॉप्ड प्याज हैं और आधी कट्ठी पुदीने की है जिसको हमने हल्का हल्का चॉप कर लिया है। फिर आधी कट्ठी हमने हमारे पास यहाँ पे धनिया की है जिसको हमने हल्का हल्का चॉप कर लिया है, और एक अदद टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया है, और साथ में यहाँ पे दो टेबल स्पून कॉर्न पाउडर, कॉर्न जो होता है, तीन टेबल स्पून मैंने लिया है इसके अंदर, जो मकई का आटा था हमने वो तीन टेबल स्पून लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे तीन टेबल स्पून मलाई है, हमने ये घर की मलाई बनाई हुई है, घर की है मलाई। फिर हमारे पास यहाँ पे एक से दो अदर अंडे हैं जिसको हमने हल्का सा फेंट के उसको फ्राई कर लिया था, खाली अंडे का हमने इसके अंदर कुछ नहीं ऐड किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने आधी कट्टी धनिया की ली थी उसकी हमने जो स्टिक्स हैं हम धनिया ऊपर से काट लिया था, स्टिक्स हमने बचा ली थी क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हमारे पास यहाँ पे अनारदाना है 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ। फिर हमारे पास यहाँ पे तीन से चार अदद हरी मिर्चें हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक है जिसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे एक अदर टमाटर है, जब हमारे ये हमारे टमाटर इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जब हमारे चपली कबाब बनेंगे हम उनके ऊपर स्लाइस करके वो लगाएंगे। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुटे हुए मसाले हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून कुटा हुआ काली मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा है। फिर यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है। फिर यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में नमक हल्का जायका। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कीमा है, उसके अंदर हमने हमारे पास ये सारे कुटे हुए मसाले थे हम ये इसके अंदर सारे ऐड कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे टमाटर है मैंने इसको चॉप किया था वो ऐड कर लेंगे साथ में। फिर हमारे पास यहाँ पे जो आधी कट्टी धनिया की थी जिसको हमने चॉप कर लिया था वो हम साथ में इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक प्याज था जिसको हमने चॉप कर लिया था वो प्याज भी ऐड कर लेंगे उसके अंदर साथ में। ये जो पुदीना है साथ में इसके अंदर पुदीना ऐड कर लेंगे। दूसरे देखिए हमारा थोड़ा बॉल छोटा सा, इसके अंदर से सारी चीज़ें गिर रही हैं। हमने यहाँ पे हमारे पास बॉल थोड़ा छोटा था, इसके अंदर चीज़ें सारी गिर रही थी, हमने बड़ी सी परात ले लिया, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने बड़ा बाउल ले लिया, हमने उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे मकई का आटा था हम वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो मलाई थी हम साथ में वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब दूसरे देखिए, जो यहाँ पे हमारी हरी मिर्ची हमने चॉप की थी वो ऐड करेंगे, और साथ में जो अदरक हमने चॉप किया था वो ऐड करेंगे, और साथ में जो अनारदाना था वो ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूसरे देखिए, हमने थोड़ा सा अपना कीमा वो साइड पे कर लेंगे, और बाद में फिर जो अंडा है, जो अंडा में हल्का सा उसको हम साइड पर ऐड कर लेंगे साइड पर।
उसको अब हमने पहले सबसे पहले हमने अंडे को अच्छी तरह से मैश करना है। देखिए हम इसको भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरे देखिए मिक्स करते हुए ही हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून तकरीबन तेल ऐड करना है। दूसरे देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आपने जितना ज़्यादा इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट उतना ही अच्छे से जायका आएगा। आपने इसको जब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरह से हमने इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है, क्योंकि जो वो लोग होते हैं वो आज रात को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं ताकि सुबह तक फिर उनका बहुत अच्छा टेस्ट इस तरह से आता है। ज़्यादा ही मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए हमने यहाँ पे तवा रख लिया और उसके ऊपर तेल डाल के हमने तेल गर्म कर लिया। अब हम अगर आप चाहें तो आप अगर तवा नहीं है तो अगर आप चाहें तो आप फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। तवे पे जब हम इसे बनाते हैं फ्राई करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम आइए अब हम आपको चपली कबाब बनाना सिखाते हैं। दोस्तों देखें आपको चपली कबाब बनाना सिखाते हैं। ये देखें क्या करना है इसको साइड पे रखते हैं। अब देखें जब हमारे चपली कबाब तो फ्राई हो जाएंगे हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। दोस्तों देखिए हमने एक साइड बना लिया है, दोस्तों देखिए हमने हमारी ये बहुत तैयार हो चुकी है। और दोस्तों देखिए फाइनली हमारे पेशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने टेस्टी हैं, ये टेस्टी नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।